तो हेलो गाइस, आज मैं फिर बताऊंगा तो आपको वीडियो स्किप करके नहीं जाना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके चले जाओगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मौज एप्लीकेशन आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। जैसे मौज एप्लीकेशन को ओपन किया, वॉल्यूम को आपके सामने सिलो कर दिया, तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। मौज एप्लीकेशन ने जो अपडेट किया है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि आप यहां पे स्क्रीन पे आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे प्लस का आइकन दिख रहा है। ये ओल्ड फ्यूचर है, लेकिन क्यों मौज एप्लीकेशन ने यहाँ पर इसको शिफ्ट किया है, तो ये क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपको प्लस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस, जो ये फ्यूचर ऐड किया गया मौज एप्लीकेशन की तरफ से, तो ये लेंस का फ्यूचर है जो पहले से ही ऑलरेडी था। केवल मौज एप्लीकेशन ने स्क्रीन पे इसको शिफ्ट किया है कि अगर आप मौज एप्लीकेशन में लेंस यानी कि फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप फिल्टर लगा सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपको क्लिक करने के बाद में वही सेम प्रोसेस है जो पहले आपका था। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इनमें से कोई भी फिल्टर को आप लगा सकते हो और वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये फिल्टर मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ। अगर आप भी ये फिल्टर यूज करेंगे तो आपका वीडियो बहुत ही अच्छा क्वालिटी दिखेगा और आपके वीडियो पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे और आपके वीडियो पे लाइक और शेयर सब कुछ इंक्रीज होगा और आपका अर्निंग बहुत ज़्यादा मौज एप्लीकेशन से होगा। ओके, तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। तो आपको यहीं से प्लस पे क्लिक कर लेना है, आपको डायरेक्टली लेंस पे लेके जाएगा, तो आप कोई भी फिल्टर लगा सकते हो। ओके, तो मौज एप्लीकेशन का न्यू फ्यूचर नहीं आया है, केवल एक ही फ्यूचर ऐड किया गया, वो भी स्क्रीन पर ऑलरेडी पहले से था, ये ओल्ड फ्यूचर है। तो आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं, तो आपको इस वीडियो में भी बता देता हूं। मौज एप्लीकेशन जितना भी हैशटैग देता है, आपको हैशटैग पे वीडियो क्रिएट कर लेना है, आपका व्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। जब व्यूज़ आपका इंक्रीज होगा तो आपका अर्निंग भी अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर मेरा फॉलोअर देख सकते हैं, 49,000 फॉलोअर हो गया है और मैंने 22 लोग को फॉलोइंग किया है और टोटल मेरा 5,54,000 लाइक हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, और 1,06,00,000 यहाँ पर मेरा व्यूज़ हो गया है और 61,000 लाइक है और 4,400 लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर किया है और 26 कमेंट आए 7 डेट में, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और अगर मैं 7 डेट का फॉलोअर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 7 डेट में 6,700 फॉलोअर आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि एक हफ्ते में 6,700 फॉलोअर आते हैं मेरा केवल 1 वीक में। ओके, तो आप भी मौज एप्लीकेशन में वीडियो क्रिएट कीजिए और आपको यहाँ पे जाके वीडियो और आप यहाँ पे कॉइन पे क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्टली वीडियो को पोस्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से वीडियो पोस्ट करने का दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वीडियो पोस्ट करने के लिए 7 डेट यानी कि 1 वीक, यहाँ भी 7 डेट यानी कि आपको भी इसमें डेली वीडियो डालना है। मैंने 5 डेज वीडियो अपलोड कर दिया है, 2 डेज और बचा है, आप देख सकते हो। जैसे 2 डेज कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा यहाँ से मौज स्ट्रीक और बढ़ जाएगा। तो आपका जितना मौज स्ट्रीक बढ़ेगा, आपका अर्निंग और आपका फॉलोअर्स और आपका व्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। आपको डेली एक्टिव रहना मौज एप्लीकेशन में। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, अगर 1-2 दिन भी मिस कर दोगे, तो आपका मौज स्ट्रीक ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो मौज एप्लीकेशन में अभी कुछ न्यू अपडेट नहीं आया है, जैसे मौज एप्लीकेशन में न्यू अपडेट आए के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। तो आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।